हेलो फ्रेंड्स, आज हमारे उर्मीज किचन में कोई रेसिपी नहीं पकेगी। आज मैं बाड़मेर के जूना केराडु, जो कि पुराने मंदिरों का एक भग्नावशेष है, हम लोग वहाँ जा रहे हैं, उसका ट्रिप दिखाती हूँ। तो वी आर जस्ट ऑन द वे। और ये रेगिस्तान के, देखिए इस तरीके से आपको जो ग्रीनरी भी नज़र आ रही है, जनरली वो गर्मी या आफ्टर फैब के बाद ये येलोइश नज़र आता है, यानी सारी धूल से ढक जाती हैं। तो अभी तो ऐसा लग रहा है कि हम लोग शायद किसी अच्छे शहर, अच्छा शहर हमारा भी है, पर जैसे कि देहरा जहाँ से बिलोंग करते हैं, देहरादून वगैरह, इस तरीके से ये देखिए, इस तरीके से काफ़ी वीरान इलाका होता है, जनरली शॉप्स वगैरह नहीं है। गांव को यहाँ ढाणी बोलते हैं। देखिए इस तरीके से लोग, ये छोटे छोटे स्कूल, सरकारी स्कूल काफ़ी दूर दूर होते हैं, और कोई शॉप वगैरह आपको नियर बाय नहीं मिलेंगी। और सामने पहाड़ी देख रहे हैं आप, ये यहाँ पे अरावली हिल्स है। ये देखिए, ये पूरा अरावली हिल्स जो कवर कर रखा है। और हम लोग यहाँ से करीब 400 किलो, ये जसाई का है, आर्मी कैंप है इधर। और क्योंकि ये सराउंडेड एरिया है, इधर से पाकिस्तान का बॉर्डर बहुत ही नियर है। और ये एक टेंपल देख रहे हैं, राजस्थान में इस तरीके से पहाड़ियों पे छोटे छोटे टेंपल आम बात है। तो वी आर जस्ट ऑन द वे। देखिए अभी ग्रीनरी बहुत ही अच्छी लग रही है इस समय। जस्ट अमेजिंग ट्रिप है। और जूना केराडु के बारे में अगर मैं बताऊं तो फ्रेंड्स, ये 11वीं या 12वीं शताब्दी का मंदिर है, जो कि कहते हैं कि गजनवी ने उस समय आया था जब हमला किया था सोमनाथ पे, तो उस समय उसने पूरा इसे रून कर दिया था। और ये देखिए हमारा रोड, जूना केराडु की बातें वहाँ करेंगे। देखिए जस्ट ऐसे पॉइंट में हम लोग जा रहे हैं। और ये फाइनल वे है, सामने पहाड़ी दिख रही है, उसके हमें बाजू में टर्न लेना है, देन हम लोग पहुँच जाएंगे जूना केराडु। तो ये बाड़मेर से तकरीबन 35 किलोमीटर अवे है, और जैसलमेर से 157 एट मोस्ट। और ये बहुत सारे टेंपल्स, कहते हैं एक नगरी थी, एक शहर पूरा बसा हुआ था, जो कि कहानियां तो बहुत हैं कि कहते हैं कि कोई शाप भी लगा था किसी साधु का, वो स्टोरी मैं आपको बाद में बताऊंगी। तो हियर वी आर, हम लोग, ये देखिए फर्स्ट टेंपल है ये। मैं 3 में घूमी हूँ, 2 मैंने कट कर दिया, 2 में मैं नहीं जा पाई। तो ये देखिए उस सभ्यता का, ये खजुराहो शैली के बने हुए मंदिर हैं, जो परमार वंश के राजा शायद दुलशाल राज ने शायद बनवाए थे, दुलशाल ऐसे कुछ नाम था उनका। कई सारे मंदिर थे जिसमें से केवल ये 5 एग्जिस्ट करते हैं अभी, बाकी तो सब रिवर्ड हो गए। और आप देखेंगे इतना सब कुछ देख के मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था, ये देखिए सारे इतने तरीके से तोड़ा है, पूरा आगे बना हुआ था कहते हैं। और मंदिर की एक एक मूर्ति जो है उन्होंने रिवर्ड करी हुई है, छोटी से छोटी। आई डोंट नो, ये देखिए कितना अच्छा इसका कारीगरी है, उस शैली के बने हुए जो हैं, जो कि परमार वंश के थे, सोलंकी राजाओं के अधीन थे गुजरात के। ये देखिए कितना अच्छा इसका, इसमें काम कितना अच्छा किया गया है। मैं ज़्यादा इतिहास नहीं जानती हूँ, लेकिन फिर भी पसंद है मुझे इस तरीके की चीज़ें। ये देखिए, और आई फील वेरी बैड कि कितना रिवर्ड, देखिए यहाँ के टेम्प मंदिर ले गए इस तरीके से, और लोग भी इसको काफ़ी गंदा रखते हैं, यहाँ पे इतना गंदगी फैलाई हुई है। ये पूरा इस तरीके से देखिए। और अभी भी हमारा पर्यटन विभाग थोड़ा ध्यान नहीं देता है, पर पर्यटक आते तो हैं, पर उस तादाद में नहीं कि इस तरीके से इसे घोषित करा जाए हमारे राष्ट्रीय धरोहर। ये देखिए, मैं अभी आपको दिखाऊंगी किस तरीके से मूर्तियां, बहुत सारा ऊपर देखिए गुंबद तोड़ा हुआ है, मूर्ति ये देखिए बिल्कुल डैमेज की हुई है,
मीन्स जो छोटी छोटी मूर्तियाँ जितनी भी बनी हुई थी उन पे सबने सब पे किसी न किसी तरीके से उन्होंने उसको डैमेज किया हुआ है। ये देखिए हाथ पाँव कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जरूर डैमेज हुआ हुआ है। तो आई थिंक ये देखिए अब लोग तो इसको अब यहाँ पे कोई ऐसी चोट नहीं पहुँचाते, पर सरकार को इस तरीके से इसके प्रति कुछ करना चाहिए। कितना बढ़िया, कितनी अच्छी मीन्स खजुराहो का पूरा इस तरीके से यहाँ पे ले आया गया है। पूरा खजुराहो शैली से ये मंदिर बनाए गए हैं। और जो कहानी है फ्रेंड्स, कहते हैं कि कोई साधु अपने संगत के साथ आए थे और उन्होंने अपनी जो साथी थे उनको इस गांव में छोड़ दिया था, और जो यहाँ के स्थानीय निवासी थे उनको बोला कि मेरे इनका ध्यान रखना, और वो आगे चले गए थे। और जब वो वापस आए तो देखा कि उनके जितने भी वो साथी से शिष्य या जो भी थे वो बीमार पड़े थे। प्रॉपर उनको खाना वगैरह शायद नहीं मिला था, तो इस तरीके से उन्होंने श्राप दिया कि ये देखिए विष्णु मंदिर है बच्चे के साथ, तो उन्होंने श्राप दिया कि शाम तक मैं जल लेके हाथ में कि शाम तक अगर जो भी यहाँ रहेगा जिस अवस्था में पत्थर का बन जाएगा। और तो तब से ये थोड़ा सा डर हो गया है, तो शाम को जनरली यहाँ लोग नहीं आते हैं और ना ही रुकते हैं इसी डर से कि पत्थर हो जाएगा। और उस कहानी में एक है कि एक कोई धोबन या कुम्हारन थी शायद जिसने कि थोड़ा बहुत ध्यान रखा था, तो साधु ने बोला था कि तुम चली जाना लेकिन टर्न होके मत देखना, और उसने टर्न होके देखा तो शहर से बाहर जाते हुए पत्थर की हो गई। पर हम लोग जब हमने देखा तो पाया कि लोग यहाँ रहते भी हैं जो देखभाल करते हैं, पर उनके जो हाउस है वो एंट्री पे बने हुए हैं, अब प्रॉपर नहीं पता कि अंदर है नहीं। तो जनरली लोग शाम को नहीं आते हैं, शाम होने से पहले पहले 6 बजे तक खुला रहता है, उसके बाद बंद हो जाता है। और अभी तक शायद अलाउ भी नहीं हुआ है किसी रिसर्च के लिए कोई यहाँ पर रुके। एंड दिस वन इज़ द सेकेंड वन, और इसी के सामने थर्ड था पर हम देख नहीं पाए हैं। और ये बड़ा मंदिर है जिसको कि अच्छे से पूरा इसका गुम्बद वगैरह डैमेज कर दिया। देखिए तस मूर्तियाँ खोद खोद के अच्छे से डैमेज की गई हैं। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है मोहम्मद गौरी पे, इतनी क्रूरता कैसे हो सकती किसी भी किसी के धर्म के प्रति। ये देखिए, और ये भी कहावत है, हम लोग को कंफर्म नहीं पता कि शायद मोहम्मद गौरी या किसने करा, पर ये इस तरीके से इसको डैमेज किया गया है और उसी समय मुगल शासकों द्वारा ही किया गया है। ये देखिए इसके एंट्री, और इस तरीके से ये जो इसको क्या बोलते हैं मुझे पता नहीं है, आगे राउंड में बना हुआ है और काफ़ी सुंदर है। ये तो इसका जस्ट एंट्री है, इसके बीच में ये 7 पिलर हैं। आई थिंक आई डिड नॉट काउंटेड एट 1 2 3 4 5 6, इस तरीके से एंट्री बनाए हुआ 4 4 8 है, 8 पिलर्स के सेंट्रलाइज हुआ है ये। ये सामने मंदिर है, देखिए इस तरीके से इसका जो ऊपर का गुंबद था वो पूरा टुकड़ा तोड़ा हुआ है। सन कितना प्यारा लग रहा है इसमें से अंदर आते हुए रोशनी, और सामने अरावली पर्वतमाला, मौसम भी अच्छा है, नीला आसमान, हरे पेड़, और ये हमारी पुरानी धरोहर, काफ़ी अच्छा लग रहा है। लेकिन ये देखिए ऊपर से पूरा का पूरा डैमेज किया हुआ है पूरा, और मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए ऊपर से डैमेज है। और ये साइड में जो पिक्चर्स हैं ये किराने बनी हुई, ऐसे ही बहुत सारी पिक्चरें हमने देखी वहाँ टूटी हुई पड़ी हैं। पिक्चर्स मीन्स स्कल्पचर जो है इसका बना हुआ, बहुत इस तरीके के जो बने हुए हैं ये काफ़ी सारे पड़े हुए हैं, पूरा आगे पीछे भरा हुआ है ग्राउंड। ये
देखिए हमारी भारतीय सभ्यता के इस तरीके के अवशेष जो बचे हुए हैं, तो ज़रूरी है कि हम अपने बच्चों को इनसे थोड़ा थोड़ा अवगत करवाएं, उन्हें बताएं इन सब चीज़ों के बारे में, बेहद ज़रूरी है। ये देखिए पूरे इस तरीके से ये सेंटर का पड़ा हुआ है। इसी तरीके से काफ़ी मात्रा में पूरे, अब इस एरिया को क्या कहेंगे पता नहीं, जंगल शहर सब में बिखरे पड़े हुए हैं इस तरीके से। और इन्हें स्ट्रिक्टली कोई, वैसे काफ़ी भारी है पर इस तरीके से इन्हें ले जाना कहीं अलाउ भी नहीं है, कोई उठा भी नहीं सकता इनमें से कोई पत्थर। फर्स्ट ऑफ ऑल तो बहुत ही हैवी, मैंने एक पत्थर उठा के देखा था, वो मैं आपको आगे दिखाऊंगी। उसका बेस बहुत हैवी था और ऊपर से वो बहुत ही लाइट, तो किस तरीके की उनकी शैली थी, किस तरीके का वो स्टोन इस्तेमाल करते थे मुझे नहीं पता लग रहा। लेकिन सच में अगर कभी आप लोगों का राजस्थान आना हो तो बाड़मेर शहर के इस जूना केराड़ू में ज़रूर आएँ और अपनी इस राष्ट्रीय संपदा से ज़रूर परिचित हों। तो ये देखिए इस तरीके से इसके बुर्ज सारे दिख रहे हैं और काफ़ी बहुत ही सुंदर लगता है। दूर से नहीं पता लगता है कि क्या डैमेज हुआ है इन छोटी छोटी मूर्तियों में, लेकिन लगभग हर एक मूर्ति को डैमेज किया गया है, इंटेंशनली डैमेज किया गया है। और ये इसके बारे में बताया गया है कि ये काशी नगरी थी। नाउ वी आर गोइंग ऑन द फोर्थ वन, तीन साथ में ही है। ये देखिए आसपास जो आपको पत्थर दिख रहे हैं इस तरीके से ये सारे फेंके हुए हैं साइडों में। दिसंबर का मौसम पर यहाँ बहुत गर्मी हो रही है, इतना ठंडा नहीं है। ये देखिए ये मैं आपको दिखा रही हूँ इस तरीके से सारे जो भग्नावशेष पड़े हुए हैं। ये देखिए मूर्ति कैसी मूर्ति रही होगी, उन्होंने क्या हल बनाया इसका, ये आप देख पा रहे हैं फ्रेंड्स कितना मैक्सिमम जो किया गया है। ये देखिए ये रही इस तरीके के, यहाँ पे कम से कम 100 ही पड़े हुए हैं। बुर्ज पिलर सब चीज़ें सब की सब डैमेज की हुई और मुझे दिल से बहुत बुरा लग रहा है इस तरीके से इनको देखने पर कि कोई, ये देखिए क्या मूर्ति इस तरीके से तोड़ी है कि किसी की भी किसी जाति धर्म से किसी को क्या मतलब इस तरीके का डैमेज करने में, काम नहीं करो। तो पुरानी चीज़ें वैसे भी देखने का मुझे शौक है इस तरीके से। मूर्ति थी पूरी, आई थिंक मुझे आर्कियोलॉजी पढ़ लेनी चाहिए थी, बहुत मूल्य होते हैं थोड़ा इतिहास के बारे। ये देखिए ये पत्थर मैंने उठाया था, इसको देखा मैंने टच करके, और ये देखिए इस तरीके से डाउन देन अपवर्ड। यानी उस समय भी 11वीं और 12वीं शताब्दी में भी लोगों ने क्या क्या सोच के, ये नीचे पूरा भरा हुआ है पत्थरों से। और ये एक तरीके से यहाँ कभी कोई प्रोग्राम वगैरह होते तो आई थिंक यहाँ, क्योंकि यहाँ सिटिंग एरिया बहुत बना हुआ है, सकता है यहाँ पे एक सिंहासन का जगह है, शायद महल रहा होगा और दरबार का कंसेप्ट लिख रहा है मुझे। ये सामने जहाँ बच्चे बैठे हैं वहाँ पर सिंहासन की, ये देखिए मूर्ति किस तरीके से कितने बुरी तरीके से डैमेज, एक एक देखिए आप मूर्ति को डैमेज किया गया है, किसी को नहीं ऐसा, यानी कितनी नफरत होती है इंसान के मन में। ये जो सामने है ये सिंहासन की जगह थी, बहुत ही बड़ा है। मुझे इन मूर्तियों को देख देख के मुझे बहुत दुख लग रहा था, और ये सेम पैटर्न का था बना हुआ, ये देखिए। और हम लोग काफ़ी देर से घूम रहे हैं इसलिए टायर्ड हो गए हैं। ये सामने देखिए ये सिंहासन की जगह थी और इसको पूरा का पूरा डैमेज कर दिया गया है, साइडों से बिल्कुल भी नहीं बचा ना सामने बचा है, और इसके पत्थर इस तरीके से पीछे पूरे भरे पड़े हैं। तो ये मेरे राइट हैंड पे एक मंदिर और है जिसे हम नहीं देख रहे हैं अभी क्योंकि हम थक चुके हैं बहुत ज़्यादा,
सेम इसी तरीके का मंदिर है, एक छोटा सा मंदिर है वो, जो मेन तीन थे सोमेश्वर। ये देखिए पूरे पूरे किस तरीके से बुर्ज एक ही शैली के हमने पहले भी देखे थे। ये रही एक मूर्ति, देखिए ये देखिए सेम सेम। तो मुझे इनको देख के बहुत गुस्सा आ रहा है, देखिए सारे एक ही तरीके के आप देख पा रहे हैं, तो कितना सुंदर रहा होगा और किसी ने कितनी नफरत में आके इनको तोड़ा, तो वेरी बैड। किसी भी धर्म की धरोहर को इस तरीके से बर्बाद नहीं करना चाहिए, चाहे वो कोई भी धर्म हो, सभी धर्मों का सम्मान होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, अगर कभी भी आप लोगों का राजस्थान या जैसलमेर आना हो तो इस जगह ज़रूर घूमें। एंट्री फ़ी केवल 50 रुपीज़ है, स्टूडेंट्स के लिए फ्री है और फॉरनर्स के लिए 200 रुपीज़ है। और ये मेरे हस्बैंड और मेरे बच्चे, और ये जस्ट वी आर गोइंग टू शॉर्टकट। तो आज उर्मीज़ किचन ने कुछ पकाया नहीं, आज उर्मीज़ किचन ने कुछ दिखाया है, जो कि मेरी लगभग जब से मैं राजस्थान आई हूँ तब से मेरी इच्छा थी यहाँ पर आने की, 3.5 साल हो चुके हैं। तो खाना अंदर ये देखिए कैक्टस, राजस्थान की निशानी, रेगिस्तान थार की, अभी भी बड़े हैं ये, कितने कितने कितना बड़ा हुआ है ये देखिए। और हम लोग यहाँ से जा रहे हैं, यहाँ एक मंदिर की जगह थी, यहाँ खाली पड़ा है इस तरीके से, एंड वी आर गोइंग टू जम्प इट। तो ये साइड वाला हमने शायद मिस कर दिया, जस्ट वी आर गोइंग टू क्रॉस इट एंड फिनिश आवर जर्नी फॉर टुडे। ये मेरा भतीजा मुझको बुला रहा है, एंड दिस अभी इसको पार करना मुझको थोड़ा डर लग रहा है। ये देखो पुलिंग माई हैंड, और अभी मेरे हस्बैंड ये मुझको जंप कराएंगे, और ये जंप किया मैंने। सो एंड दिस वन इज़ द 5th टेम्पल, स्मॉलेस्ट टेम्पल है, जो कि नियरली था फिर हमने नहीं देखा ये, क्योंकि बियरली इस लास्ट में एक और था सामने ही। बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गए थे हम लोग देख के, कितना गुस्सा आ रहा था मुझको कि कितना कितना लॉस करा है हम लोगों का। तो फ्रेंड्स, शायद आपको मेरा वीडियो कुछ अच्छा लगा होगा, और अगर लगा है तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें। वो आगे पानी रोड देख रहे हैं, मैंने पहली बार लाइफ में मृग मरीचिका देखी, सामने मृग मरीचिका दिख रहा था एकदम, पानी गायब हो जाए होता जा हिरण की आंखों का धोखा, मतलब ये तो मृग मतलब क्या होता है।